राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक किया गया प्रस्तुत। बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का है प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रपति ने महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर जताई चिंता, कहा आम नागरिकों की रक्षा हम सभी का सामूहिक दायित्व। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत को मिली बड़ी सफलता, इस वर्ष के क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत प्रथम 10 देशों में हुआ शामिल। लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले लोगों को जल संरक्षण देने के राज्य सरकार के आदेश, सभी विभागों को इस संबंध में जारी किए गए हैं निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का इंग्लैंड दौरे से लौटने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयपुर एयरपोर्ट पर किया स्वागत। पूनिया ने राजस्थान विश्वविद्यालय में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्रों से भी की मुलाकात। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ तीसरा दीक्षांत समारोह, विद्यार्थियों को दी गई उपाधि। इसरो के लिए आज का दिन है अत्यंत ही विशेष। पीएसएलवी के 50वें मिशन के तहत भारत के उपग्रह रीसेट 2 VR-1 और 9 अन्य विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष में होंगे प्रक्षेपित। भीलवाड़ा में महिला बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदन सप्ताह का हुआ समापन। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के शिक्षकों ने प्राणी विज्ञान विषय में नवाचार कर ऑनलाइन गेमिंग ऐप किया विकसित। इस ऐप से प्राणी विज्ञान के जटिल विषयों को समझने में विद्यार्थियों को मिलेगी सहायता। दौसा के श्री संत सुंदरदास राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का किया गया उद्घाटन। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिले में और महाविद्यालय खोलने का दिया आश्वासन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना प्रदेश के निर्धन परिवारों के लिए साबित हुई वरदान। योजना के माध्यम से लोगों को पोस्ट मशीन के जरिए आसानी से उपलब्ध हो रही है राशन सामग्री। जयपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से निधि आपके निकट कार्यक्रम किया गया आयोजित। भविष्य निधि योजना से जुड़े लोगों की विभिन्न शिकायतों का किया गया समाधान। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में 72 साल पहले रणजीत सिंह से बिछड़कर पाकिस्तान चली गई बहन सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। 1947 के कबायली हमले में बिछड़ गया था परिवार। आजाद हिंद फौज के सिपाही स्वतंत्रता सेनानी सुरजाराम आर्य का उनके पैतृक ग्राम में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सुरजाराम ने स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर लिया था भाग। और 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 312 पदकों के साथ भारत रहा शीर्ष पर।